मध्य प्रदेश स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के बयान को लेकर पंजाब में बवाल शुरू हो गया है। 18 मार्च को मुरादाबाद में धीरेन्द्र शास्त्री ने हरिहर मंदिर को लेकर बयान दिया था। हालांकि पंजाब के सिख कट्टरपंथी वर्जिंदर परवाना ने इसे अमृतसर स्थित हरिमंदर साहेब यानी गोल्डन टेम्पल से जोड़ दिया था। उसने पंडित शास्त्री को धमकी तक दी है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, चाहे जैसे मर्जी उन्हें मार डालेंगे। परवाना ने पंडित शास्त्री को पंजाब आने तक की चुनौती दे डाली है। पंजाब के कपूरथला जिले के कादराबाद गांव में 26 से 30 नवंबर तक 5 दिन का समागम था, जिसके मंच से परवाना ने बाबा बागेश्वर को ये धमकी दी है। तो वहीं इस मामले में एंटी टेररिस्ट फ्रंट इंडिया एवं विश्व हिंदू तख्त प्रमुख वीरेश शांडिल्य ने पुलिस से 48 घंटे के भीतर परवाना को गिरफ्तार करने की मांग की है। मुरादाबाद के एक धार्मिक कार्यक्रम में बाबा बागेश्वर कहे जाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा था कि अब तो आवाज यहाँ तक भी आ गई है, अब तो जल्दी से जल्दी उस मंदिर की पूजा भी प्रारंभ हो जानी चाहिए। अयोध्या में राम जी बैठ गए हैं, काशी में नंदी भगवान निकल आए हैं, ये मुहूर्त है, अब हरिहर मंदिर में भी अभिषेक रुद्राभिषेक हो जाना चाहिए। बाबा बागेश्वर के बयान को लेकर कहा जा रहा है कि ये गोल्डन टेम्पल के लिए नहीं बल्कि कल के धाम संभल के लिए था।